अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एज द न्यू ब्रांड वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अली भाई नाम का चैनल यूट्यूब पे किसने डिलीट किया, कैसे डिलीट हुआ। मैंने कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है तो वो आज इंशाल्लाह मैं आप तक शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन भाई ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल आसिफ परदेसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मुझे बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर डेली आते रहे। तो अब बात करते हैं अली भाई नाम का चैनल, अली भाई कौन है, उसका चैनल कौन डिलीट करने वाला है और कैसे कैसे ये सारा चक्कर कैसे सीन हुआ है, तो सारा डिस्कस करता हूं मैं आपके सामने। तो अली भाई ये गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और खास कुछ नहीं है, मतलब वैसे देहाती टाइप पंजाबी है कि कॉज पंजाबी है। उसके बाद इसका चैनल के जो सुनने में आ रहा है वो जैनुल आबिदीन के नाम से एक बंदा है, सुनने में यही आ रहा है कि उसने डिलीट किया है, लेकिन उसके बाद में उसने साथ में इकट्ठा किया। वो बंदा बहुत शरीफ है, अली भाई का नाम अली भाई है जो कि बहुत शरीफ है। उसने एक और नया चैनल बनाया अली भाई ऑफिशियल के नाम से, आप यूट्यूब पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं अली भाई ऑफिशियल, साइड पे भी आपको नजर आ रहा होगा। और सुनने में यही आया कि उसने जैनुल आबिदीन ने उसका चैनल डिलीट किया है, लेकिन हम ये अपने पूरे ये नहीं कह सकते कि अली भाई ने किया है। तो अब मैं आप मजीद उसके बाद बता देता हूँ कि अली भाई को चैनल जैनुल आबिदीन ने बनाकर दिया था और उसने ये जिम्मेदारी ली थी भाई इसकी एडिटिंग मैं करूंगा, इसके सारे जो काम होगा वो मैं खुद करूंगा। अली भाई बहुत शरीफ और सीधा साधा लड़का है, मतलब ऐसे ही उसको जैनुल आबिदीन ने ही चैनल बना कर दिया था और उसको मतलब एक ही 10 दिन में उसकी मोनेटाइजेशन हो गई और अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो गया, उसी ने उसको प्रमोट किया था और बाद में उसके सब्सक्राइबर उसके 2-3 लाख तक पहुंच गए थे। बाद में जो काफी लोग हैं वो कह रहे हैं जैनुल आबिदीन ने डिलीट किया, हो सकता है कि मतलब वो उससे जेलस होकर भाई इसकी मतलब कामयाबी पे जेलस होकर डिलीट कर दिया हो। लेकिन बाद में मैंने एक और भी वीडियो का क्लिप देखा, मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इधर यूट्यूब स्ट्राइक का बता होता है बंदों का, मतलब उसने वो बाद में दोनों इकट्ठे हुए हैं और वहां पर वो बोल रहा है कि यार मतलब मैं ना चाहते हुए भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि चैनल डिलीट हो गया। और बाद में बात यह हुई है कि अली भाई कहते हैं कि मैं उस चैनल को वापस में नहीं लेना चाहता क्योंकि अगर वो एक बंदे तो हैक कर रहे हैं उसको हैक कर लिया, हो सकता है कि उसने दोबारा हैक कर ले। कोई चवल आदमी है कहते हैं एक मरतबा हैक हो गया फिर कोई ना कर ले, भाई एक बार सिक्योरिटी अपनी फुल कर लो। तो आज की आप अपने चैनल को आप किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अपने चैनल के ऊपर आप सबसे पहले 3 से 4 वेरिफिकेशन होती है आप लगा सकते हैं। नंबर 1 होती है आपको पासवर्ड, आपको किसी ने बताया जाए पासवर्ड आप इतना स्ट्रांग लगाएं कि किसी बंदे के जहन तक ही ना पहुंचे आप कौन सा पासवर्ड लगाया, एक आप पासवर्ड स्ट्रांग लगा सकते हैं। नंबर 2 अपने 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें एंड उसके बाद आप रिकवरी में 2 नंबर डालें एंड उसके बाद ईमेल भी डालें अपने। अगर आप ये 3-4 चीजें लगा सकते हैं तो आपका चैनल मैं आपको कह सकता हूँ 100% कह सकता हूँ कोई चैनल हैक नहीं कर सकता। वो अगर आप किसी को अपना पासवर्ड नहीं देंगे तो तब तक आपका पासवर्ड आपका चैनल हैक नहीं हो सकता। सो आप अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें क्योंकि मेहनत होती है बंदे की, क्योंकि उसने लाखों सब्सक्राइबर हासिल किया है, उसने तो उसकी प्रमोशन करके फ्री में उसको सब्सक्राइब। अगर एक बंदा आपको पता है कि जरा यूट्यूबर आता है वो 1000 सब्सक्राइबर करते करते 1 साल लगाता है, जब 1 साल लगाता है तो उसका धुआं निकल जाता है। ये तो उनको पता होता है जो मेहनत करते हैं, जो उन लोगों को कुछ नहीं होता यार जो प्रमोशन से ऊपर आ जाते हैं सब्सक्राइबर आ जाते हैं और खुद ब खुद फिर चैनल ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। लेकिन बस यार अपने चैनल को सिक्योर रखें और इसके बारे में मेरा यही कमेंट है, हो सकता है कि जैनुल आबिदीन ने डिलीट किया हो, हो सकता है किसी और ने किया हो क्योंकि एडसेंस अली भाई ने किसी और से बनवाया था और जो यूट्यूब चैनल था वो जैनुल आबिदीन से बनवाया था, हो सकता है कि उस मतलब उसी से कुछ बातचीत हुई हो, मतलब झगड़ा होता है बहुत लोगों का और मतलब इसे किसी ने डिलीट कर सकते हैं। तो मेरे यही राय थी, सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद है, अगर पसंद है वीडियो को लाइक ना चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट में, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।